अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इससे पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर मुख्तलिफ तरह के प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश करने के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के इन सियाहती मकामात पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के क्या प्रोस्पेक्ट्स है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा बहुत से ऐसे और भी प्रोजेक्ट है जिनमें प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के वसी मौके मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, इन टूरिस्ट स्पॉट्स में प्राइवेट इन्वेस्टर्स कोई होटल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं या टूरिस्ट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर पर आज हमारी आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के सियाती शोबे की मैनेजमेंट के लिए इंतजामी ढांचे के बारे में बताऊंगा। नाजरीन, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है एक जाब्ता एक तरीक़ेकार के तहत होता है और ये जाब्ता या तरीक़ेकार कोई कानून, रूल, एसओपी या प्रोसीजर हो सकता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती शुबा की मैनेजमेंट के लिए भी एक इंतजामी ढांचा या गवर्नेंस फ्रेमवर्क मौजूद है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क से मुराद वो तमाम कवानीन, प्रोसीजर, रूल्स, इदारे यानी इंस्टीट्यूशन है जिनके तहत एक शोबे की मैनेजमेंट की जाती है। तो अगर हम गवर्नेंस की ये डिफिनीशन ले ले तो इसके तहत हम गवर्नेंस फ्रेमवर्क को ब्रॉडली टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन लीगल फ्रेमवर्क एंड नंबर टू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क से मुराद वो तमाम कवानीन, रूल, प्रोसीजर और एसओपीज है जिनके तहत एक शोबा और उस शोबे में जो इदारे हैं उनकी मैनेजमेंट की जाती है। जबकि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से मुराद वो तमाम इदारे, उन इदारों में हायरार्किकल स्ट्रक्चर, उन हायरार्किकल स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ ऑफिस बियरर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन ऑफिस बियरर के दरमियान चेन ऑफ कमांड, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म और प्रोसीजर शामिल है जिनके तहत एक शुबे की मैनेजमेंट की जाती है। तो आइए हम सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती शुबे के लिए लीगल फ्रेमवर्क को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लीगल फ्रेमवर्क से मुराद वो तमाम कवानीन, रूल्स और प्रोसीजर है जिनके तहत एक शुबे की मैनेजमेंट की जाती है। तो खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती शुबा की मैनेजमेंट के लिए बहुत से कवानीन और रूल्स है। इन रूल्स और कवानीन में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म एक्ट 2019। इसके अलावा बाकी कवानीन और रूल्स में शामिल है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेज एंड टूरिज्म प्रॉपर्टीज एक्ट 2020, अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2021, टूरिज्म पॉलिसी 2015, कल्चर पॉलिसी, केपी हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर रेगुलेशन 2021, टूरिज्म पुलिस रेगुलेशन 2020, कुमराट डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स 2020, कालाज डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स 2020 और खैबर पख्तूनख्वा सेंसरशिप ऑफ मोशन पिक्चर फिल्म सीडीज वीडियोज स्टेज ड्रामा एंड शोज रूल 2021 का बिल जिक्र है। अब इन कवानीन यानी इस लीगल फ्रेमवर्क के तहत इस शुबे की मैनेजमेंट के लिए बहुत से इदारे कायम किए गए हैं और इन इदारों को हम कैटेगराइज करते हैं अंडर द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द टूरिज्म सेक्टर। इन इंस्टीट्यूशन में जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो है प्रोविंशियल टूरिज्म स्ट्रेटेजी बोर्ड। प्रोविंशियल टूरिज्म स्ट्रेटेजी बोर्ड हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म एक्ट 2019। इस इंस्टीट्यूशन को चेयर करता है चीफ मिनिस्टर और इसका जो सेक्रेटरी होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूशन में शामिल है मिनिस्टर टूरिज्म, सेक्रेटरी टूरिज्म, मिनिस्टर फाइनेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्टर एनवायरनमेंट, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, चीफ सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्टर से 3 प्रोफेशनल जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं जिनको टूरिज्म सेक्टर का ज्यादा पता होता है। प्रोविंशियल टूरिज्म स्ट्रेटेजी बोर्ड का जो बुनियादी काम है वो टूरिज्म स्ट्रेटेजीज और पॉलिसी बनाना है और फिर वो इन स्ट्रेटेजीज और पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी करते हैं, उस पर फीडबैक हासिल करते हैं और अगर इन स्ट्रेटेजीज या पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट या तरमीम वगैरह लानी हो तो वो भी इस स्ट्रेटेजी बोर्ड का काम है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म के शुबे को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट भी है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कहते हैं। इस डिपार्टमेंट का हेड होता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के अंडर 2 एडिशनल सेक्रेटरीज काम करते हैं, फिर दोनों एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर
दो दो डिप्टी सेक्रेटरीज काम करते हैं और फिर हर डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर दो दो सेक्शन ऑफिसर्स काम करते हैं और हर सेक्शन ऑफिसर जो है वो टूरिज्म के शुबे के एक खास सेक्शन, एक खास विंग या एक खास एक्टिविटी को लुक आफ्टर करता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म एक्ट 2019 के सेक्शन 6 के तहत एक खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई है और इस अथॉरिटी को चेयर करता है मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, जबकि दीगर मेंबरान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टूरिज्म, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ, सेक्रेटरी CMWO, प्राइवेट सेक्टर से 3 प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक खातून, 2 प्राइवेट मेंबर और एक डायरेक्टर जनरल शामिल है। एंड द डायरेक्टर जनरल ऑल्सो सर्व एज अ सेक्रेटरी ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि KP कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म स्ट्रेटेजी बोर्ड की एक एग्जीक्यूटिंग ऑर्गन है, यानी ये अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म स्ट्रेटेजी बोर्ड को मुख्तलिफ टूरिज्म स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज फार्मुलेट करने में असिस्ट करती है और जब ये स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज अप्रूव होती है तो फिर इन स्ट्रेटजी और पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन का मैंडेट भी खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी का है। इसके अलावा KP कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियाहती मकामात की मार्केटिंग करती है, वहाँ पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, प्राइवेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है टू इन्वेस्ट इन वेरियस टूरिज्म प्रोजेक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा, उनको मुख्तलिफ तरह की NOC और लाइसेंस इशू करती है, मुख्तलिफ तरह की जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको लीज आउट करती है, वहाँ पर टैक्सेस फीस और सिस इम्पोज करती है और कलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारे काम हैं खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1996 के तहत एक गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई है एंड दिस अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हजारा हिल ट्रैक्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इस अथॉरिटी का काम भी ये है कि ये गिलियात यानी नितिया गली, अयूबिया और सराउंडिंग के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे और वहाँ पे जितनी भी टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म एक्ट 2019 के सेक्शन 26 और 27 के तहत एक टूरिज्म फंड एस्टेब्लिश किया गया है और दिस फंड रिसीव मनी इन इट इज ग्रांट इन इट फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज डोनेशन इज फी सिस एंड टैक्सेस वगैरह विच इट इम्पोज एंड कलेक्ट the different authority impose this tax within their territorial jurisdiction. तो फिर इनको collect किया जाता है, it also make up a part of the tourism development fund और इस fund को utilize किया जाता है for marketing of the various tourist spots, for training in hospitality and hotel management courses, for the establishment of integrated tourism zone. Integrated tourism zone के बारे में मैं आगे आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इस fund के जरिए assist किया जाता है मुख्तलिफ tourism agencies को। ठीक है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के टूरिज्म एक्ट 2019 के तहत खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म पुलिस रेगुलेशन 2020 फॉर्मुलेट किए गए हैं और इन रूल के तहत एक टूरिज्म पुलिस एस्टेब्लिश की गई है। ये टूरिज्म पुलिस बेसिकली टूरिस्ट को असिस्ट करती है और उनको वहां पर मुख्तलिफ तरह के टाउट्स, बिगर्स, पिक पॉकेट्स और फ्रॉडर्स से प्रोटेस्ट करती है। तो दीज टूरिस्ट पुलिस आर फॉर योर असिस्टेंस। आपको जब भी अगर आप इन इलाकों में जाते हैं तो वहां पर जहां पर भी आपको ये टूरिस्ट पुलिस नजर आए तो उनसे आप हर तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं, तो वो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया कि हमारी जो केपी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी है ये मुख्तलिफ तरह की इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन एस्टेब्लिश करती है। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में 5 इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन एस्टेब्लिश किए गए हैं। नंबर 1 गनोर मानसेहरा में, नंबर 2 मदाकलाश्ट लोअर चित्राल में, नंबर 3 टिंडियानी गिलियात में, नंबर 4 मंकियाल स्वात में, सॉरी 4 है, 5 नहीं है। तो इन इंटीग्रेटेड जोन में बेसिकली जो भी टूरिस्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें फिर प्राइवेट इन्वेस्टर को स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको मुख्तलिफ तरह के NOCs और अप्रूवल देने में सहूलत फराहम की जाती है। इसके अलावा उनको मुख्तलिफ टैक्सेस,
फीस और सिस में कंसेशन भी दी जाती है। मकसद ये होता है कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए और वो आगे आए और इन जोन में इन्वेस्ट करें और न सिर्फ खुद एक अच्छा प्रॉफिट कमाए बल्कि टूरिस्ट को भी फैसिलिटेट करें और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको रोजगार के मौके फराहम करें। तो उम्मीद है आप खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म के लिए जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है इसके बारे में समझ गए होंगे। स्टे ट्यून्ड क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के मिनरल सेक्टर के बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।